वेलकम टू पी एफ़ एफ किचन मैं हूँ PFFB की मास्टर शेफ़ यास्मीन रहमान लाहौर से और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तो चलिए अज्जा नोट कर लीजिए पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए आपको चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटा हुआ एक अदद बारीक कटी हुई प्याज जैसा कि हम अंडे के लिए काटते हैं एक अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च दो अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च दो खाने के चम्मच कटे हुए ब्लैक ऑलिव्स, दो खाने के चम्मच कटे हुए मशरूम्स पिज्ज़ा सॉस चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच ओरिगानो, लीव्स और आधा चाय का चम्मच थाइम। चिकन की मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए आधा चाय का चम्मच नमक एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच सोया सॉस दो खाने के चम्मच टिक्का मसाला पिज़्ज़ा की डो की तरफ चलते हैं तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं आप चाहें तो रेडीमेड डो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप पीटा ब्रेड या जिसे शॉर्मा ब्रेड भी कहते हैं वो लेकर उस पर अपनी सारी टॉपिंग ऐड कर लें और इसे बेक कर लें और अगर आप घर में पिज्ज़ा डो बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान है इसके लिए आपको चाहिए दो कप मैदा एक चुटकी नमक आधा चाय का चम्मच चीनी एक खाने का चम्मच ऑयल, एक खाने का चम्मच इंस्टेंट यीस्ट या आधा पैकेट यीस्ट, इसके बाद एक अदद अंडा और नीम गर्म पानी इसे गूंधने के लिए तरीका सबसे पहले डो बना लेते हैं तो एक बाउल में आप मैदा छान लें और इसमें नमक चीनी यीस्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब इसके अंदर अंडा तोड़ कर डाल दें और ऑयल भी डाल दें अब इसके बाद आप इसे गर्म पानी से गूंद लें इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंदिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो और ये पूरी तरह यकजान हो जाए इसे तकरीबन छः से सात मिनट मुसलसल गूंदते रहें इसके बाद एक ढक्कन वाला डब्बा लें और इसे सब तरफ से मैदा लगाकर डस्ट कर लें इसकी सरफेस पे भी और इसकी चारों साइड्स पे भी इसके ढक्कन के अंदर की तरफ भी मैदा लगा लें अब ये डो उठाएं और इस डब्बे के अंदर रख कर इसका ढक्कन बंद कर दें इस डब्बे को अब आपको किसी गर्म जगह पर रखना है जैसे कि माइक्रोवेव ओवन और इसे अगर तो गर्मियाँ हैं तो दो घंटे के लिए और अगर सर्दी है तो चार से पाँच घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ दें ये डबल हो जाएगी फूल के इसके बाद हम चिकन तैयार कर लेते हैं तो चिकन को सबसे पहले हम दो से तीन खाने के चम्मच सिरका लगाकर एक बाउल में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसके बाद इसे खुले पानी के नीचे अच्छे तरीके से धोकर एक प्लास्टिक की टोकरी में डालते चले जाएंगे अब इसके बाद एक बाउल ले लें इसमें यह चिकन धुला हुआ ऐड कर दें और इसमें अपने तमाम मसाला ज़ात जिसमें नमक कुटी हुई लाल मिर्च सोया सॉस टिक्का मसाला और एक चुटकी औरगैनो पाउडर भी डाल दें याद रखिएगा ऊपर टॉपिंग के लिए हमने लीव्स लिए थे और चिकन के अंदर ऐड करने के लिए हम पाउडर यूज़ करेंगे ये बस एक चुटकी लीजिएगा इसके बाद आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें जब आपका चिकन अच्छे तरीके से आधे घंटे बाद मैरिनेट हो चुका हो तो आप एक फ्राइंग पैन या छोटे साइज़ की पतीली ले लें और इसमें एक खाने का चम्मच ऑयल ऐड कर दें चूल्हा ऑन करें और इसे 10 से 20 सेकंड के लिए गर्म होने दें अब इसके अंदर एक चाय का चम्मच अदरक लहसन की पेस्ट ऐड कर दें और इसे तीस सेकंड के लिए सोटे कर लें इसके बाद इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दें और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें यहाँ तक कि यह कम्प्लीटली कुक हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए इसे तकरीबन आठ से दस मिनट लगेंगे और ये आपका चिकन तैयार हो जाएगा इसके बाद आपकी जब डो राइज हो जाए तो आप अपनी शेल्फ़ पे मैदा टस्ट करें और इसके ऊपर अपनी डो रख के इसे फिर से गूंद लें याद रखें जब भी आपकी डो आपके हाथ पे चिपके तो आप अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाकर इसे गूंद सकते हैं इसके बाद इसमें से पेड़ा लें और इसे अपने हाथों में रखकर गोल गोल बॉल की शेप दे दें अब इसे रोटी की तरह बेल लें याद रखें आपकी डो बहुत बारीक नहीं होनी चाहिए जैसे कि रोटी होती है इतनी मोटी भी ना हो लेकिन थोड़ी सी बहरहाल रोटी से मोटी हो इसके बाद आप एक पिज्ज़ा पैन ले लें जिसे आप ऑयल से ग्रीस कर लें आप अपने हाथ पे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएं और पूरे पैन को इससे ग्रीस कर लें अच्छे तरीके से अब मैदा लें और वो भी इसके ऊपर डस्ट करके इसे अच्छे तरीके से इस पैन पे फैला लें इसके बाद अपनी रोटी को बहुत एहतियात से उठाएं और इस पैन के ऊपर डाल दें अगर आपकी रोटी गोल नहीं भी थी तो अब आप क्या करेंगे कि आपकी जो रोटी है जो आपकी डो है वो अगर पैन से बाहर निकल रही है उसके एजेस इतने सही से गोल नहीं हुए तो आप उसे छुरी की मदद से काट कर बिल्कुल गोल कर सकते हैं इसके बाद आप एक कांटा लें और इससे बारीक डॉट्स इसके रोटी के ऊपर लगाते चले जाएं ध्यान रखिएगा आपने बहुत हल्के हाथों हाथों से इसके ऊपर डॉट्स बनाने हैं बिल्कुल भी आपकी रोटी फटनी नहीं चाहिए इसके बाद आप इसके ऊपर चेडर चीज़ क्रश करके कद्दू क्रश की मदद से क्रश करके इसके ऊपर डाल दें और इसे अच्छे तरीके से फैला दें इसके बाद आप अपनी पिज्ज़ा सॉस भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दें अब आप, आप अपने चिकन के क्यूब्स इसके ऊपर रख दें और आपके शिमला मिर्च प्याज़ मशरूम्स ऑलिव्स आपकी हरी मिर्च सब चीज़ें इसके ऊपर अच्छे से फैला दें इसके बाद आप इसके ऊपर मोजरेला चीज़ डालें और थोड़ी सी चेडर चीज़ भी क्रश करके डाल दें इसके ऊपर आप अपने ऑरिगेनो लीव्स और थाइम स्प्रिंकल करें और आपका पिज्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दूंगी आप चाहें तो इसे कुकिंग रेंज में भी बेक कर सकते हैं और कुकर में भी बेक कर सकते हैं कुकिंग रेंज में अगर आप बना रहे हैं तो आप 40 मिनट्स के लिए कुकिंग रेंज को प्री हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके बाद बहुत एहतियात से पहले तो बेकिंग ग्लव्स दोनों हाथों में पहन लें और उसके बाद बहुत एहतियात से इसका ढक्कन खोलें और ये पिज़्ज़ा डो आपका पिज़्ज़ा जो पिज़्ज़ा पैन है इसे बहुत एहतियात से अपने ओवन में रख कर इसका ढक्कन या दरवाज़ा जो भी बंद कर दें इसके बाद आप इसे ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स पकने के लिए छोड़ दें ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स बाद आपका पिज़्ज़ा तैयार होगा आप ओवन खोलें और एक छुरी की मदद से हल्का सा चेक कर लें साइड पे रख के कि आपकी आपका जो पिज़्ज़ा है वो कम्प्लीटली कुक हो गया है अगर तो हो गया है तो आप वही बेकिंग ग्लव्स पहने और अपने पैन को बाहर निकाल लें अब आप इसे एक बड़ी छुरी की मदद से स्लाइसेस में कट कर लें और लीजिए आपका पिज़्ज़ा तैयार है और अगर आपने इसे कुकर में बनाना है तो आप प्रेशर कुकर में आधा कप नमक ऐड करें और इसे ढक्कन बंद करके तकरीबन 50 मिनट के लिए प्री हीट होने दें इसके बाद इसका ढक्कन खोलें और बेकिंग ग्लव्स पहनकर एक जाली का स्टैंड या फिर अगर जाली का स्टैंड आपके पास नहीं है तो कोई भी और बड़े साइज़ का बर्तन आ, मतलब लेके के इसके अंदर रख दें और उसके अंदर अपना पिज्ज़ा पैन बहुत एहतियात से रख दें इसके बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसके ऊपर कोई वेट दे दें कोई वज़नी चीज़ रख दें अब आप इसे तकरीबन 40 मिनट के लिए कुक करेंगे और 40 मिनट के बाद आप इसे खोल के देखेंगे कि आपके आपका पिज़्ज़ा अगर तैयार हो गया है तो आप इसे बाहर निकाल लें और इसे काट कर सर्व करें लीजिए आपका चिकन तिक्का पिज़्ज़ा तैयार है आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारा पेज है फेसबुक पर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस और लाइनस रबेल पीरजादा जिंदगी बहुत खूबसूरत है अल्लाह नेगेबान